92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं बिग रेडियो रील काउंटडाउन विद अनु मलिक। पावर्ड बाय द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। सुरक्षा का वादा सबसे ज्यादा। जंगल है, आधी रात है, लगने लगा है डर। दुनिया को भूल जाऊं, कुछ ऐसी बात कर, ओ डरने वाली क्या बात है जब साथ में है दिलबर। अरे आजा मेरी बाहों में, सो जा रख के सरहाए। तुरुरुम तम तुम तम तम पम, तुरुरम पम बम बम बम, दिरुरम पम परम, तिरुरम पम परम परम परम। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, प्रणाम। मैं अनु मलिक एक बार फिर हाजिर हूं आपकी खिदमत में, लेकर वही जबरदस्त शो जिसका नाम है बिग रेडियो रील काउंटडाउन। और आज के एपिसोड में आपको ऐसे एक से बढ़कर एक गाने सुनने मिलेंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा। और रीजन क्या है, मैं ऐसे से गाने आपको सुनाने वाला हूं। आज हम मना रहे हैं उस गीतकार का जन्मदिन जो एक लौते ऐसे गीतकार हैं जिनके नाम सबसे ज्यादा गाने लिखने का गिनीज बुक रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। ये नाम किसका है? 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुके सुपर 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 टैलेंटेड लिरिसिस्ट शीतला पांडे जी। नहीं समझे? अरे मैं बात कर रहा हूँ हमारे अपने समीर जी की, जिनका एक्चुअल नाम था शीतला पांडे। समीर, ये नाम उन्हें मिला था उनकी दोस्त और प्रेमिका से, जो अनफॉर्चुनेटली वक्त से पहले ही दुनिया को छोड़कर चली गई और समीर और उनका साथ अधूरा रह गया। लेकिन फिर उनके कलम से जो बोल, जो शब्द निकले, उसने ना जाने कितने लोगों की जिंदगी के अधूरेपन को कम किया है। यही तो होती है गानों की ताकत, कलम की ताकत। तो आज की शाम उसी शब्दों के दीवाने समीर के नाम। समीर के पिताजी बड़े फेमस लिरिसिस्ट अंजान जी। समीर के डीएनए में भी लिरिसिज्म, शब्द आने लग गए और समीर ने सोचा कि भैया मुझे भी यही काम आता है, मैं ये करूंगा। अब चक्कर ये था कि अंजान जी एक्चुअली चाहते नहीं थे कि समीर लिरिसिस्ट बने, वो चाहते थे कि कुछ और काम करे। तो समीर ने क्या किया, बिना पापा को बोले, अपने पिताजी को बोले, वो आ गए मुंबई। अब 1 साल तक वो कहीं भी चौल में इधर उधर रहा और पापा को देखता रहे, लेकिन उससे मदद नहीं मांगी। लेकिन जब वो टूट गए तो साहब डरते 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 वो पहुंच गए अंजान जी के घर पे। अब समीर को देखिए हैरान हो गए, बोला कैसे आना हुआ? बोला देखिए मैं 1.5 साल से यहाँ हूँ और मुझे तकलीफ बहुत है, फाइनेंशियली भी, इमोशनली, यानी कि मुझे कुछ काम नहीं मिल रहा है और कोई जगह नहीं रहने के लिए। हैरान हो गए अंजान जी। बोला मैं तुम्हें जगह तो दूंगा रहने की, लेकिन एक मेरी शर्त है कि मैं एक सवाल करूंगा, मुझे सही सही जवाब देना। मेरा सवाल तुमसे ये है कि तुमने कभी किसी से प्यार किया है? जो समीर कहते हैं वो हैरान हो गए, वो तकलीफ में है और उनसे पिताजी पूछ रहे हैं तुमने किसी को अपना दिल दिया है? तो फट से समीर भौगला गए, लेकिन जो जवाब दिया, बोला देखिए कोई इंसान सोच के दिल नहीं देता, बिना सोचे बिना समझे मुझे इश्क हुआ और मैंने दिल दे दिया। ये लाइन सुनकर अंजान जी ने कहा तुम मेरे घर में रहोगे, क्योंकि जिस इंडस्ट्री में तुम आ रहे हो वो पता है कैसी इंडस्ट्री है, वो भी महबूबा है, जो बेवफा भी हो सकती है और बावफा भी हो सकती है, आपसे इश्क भी कर सकती है और आपको नकार भी सकती है। यानी कि यहाँ काम मिलता है तो मिलता है, किस्मत खुलती है तो मिलता है। जिस दिन इंडस्ट्री काम देना बंद करती है तो उस दिन को बर्दाश्त करना भी बहुत ताकत चाहिए। दूसरी शर्त यह है, कहीं अगर आपको कोई सिचुएशन समझ ना आए और आप अचानक मेरे पास आए और बोले मेरी मदद करो पापा, ये मुखड़ा आप लिख दो या ये अंतरा आप लिख दो, तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी मैं उसी दिन आपको कहूँगा अपना सामान उठाइए और सीधे गांव चले जाइए। हुआ यूं, एक फिल्म कर रहे थे वो साजन, जिसके कंपोजर थे नदीम और श्रवण जी। सब गाने कंप्लीट कर चुके थे, इसके डायरेक्टर थे लॉरेंस डिसोजा। अब तो बस ये इंतजार था कि फिल्म कब रिलीज हो और इसका रिजल्ट क्या हो। एक दिन समीर, नदीम श्रवण ने बोला भाई इतनी मेहनत की है हमने, चलो कहीं चलते हैं, रेस्टोरेंट में खाना वाना खाते हैं। और कोई अच्छे रेस्टोरेंट में पहुंच गए नदीम, श्रवण और समीर, और बैठे बातें कर रहे थे इधर उधर की। अचानक समीर कहता है ये जो अपनी पिक्चर है ना साजन, इसके लिए मेरे एक टुकड़ा है मेरे दिमाग में। बोला क्या टुकड़ा है? देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। अब ये बात नदीम श्रवण को अच्छी लगी, तो नदीम ने श्रवण को कहा कि देखो एक काम करो, कोई ऐसा टेम्पो करो ना, टंग 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 टंग, ऐसे कुछ गाने लग गए वो। तो जब श्रवण बजाने लग गए तो वहीं सुनाए नदीम ने ये ट्यून बना दी, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। अब ये जो बीट के साथ ये जो मुखड़ा बना, अचानक समीर नदीम शरण उछले और बोले यार तो गाने में बहुत दम है यार ये गाना रिकॉर्ड करते थे। वेंट टू द प्रोड्यूसर, उन्होंने गाना सुना और बोला देखो भाई हमारे सिचुएशन में जितने भी गाने थे हमने कर लिए और अब गाना रिकॉर्ड होना लाजमी नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो नदीम श्रवण थोड़े डिसहार्टेड हो गए, तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, मैं अपने खर्चे पर गाना करता हूँ और हम ये गाना रिकॉर्ड करेंगे, अगर आपको पसंद नहीं आया या हीरो हीरोइन को पसंद नहीं आया हम किसी और को दे देंगे, हम चाहते हैं सलमान खान साहब और माधुरी जी आए और ये गाना सुने। तो सुधाकर बुगाड़ी जी मान गए। तो जब सलमान खान आए और उन्होंने ये गाना सुना, उनको बहुत पसंद आया। सलमान खान ने बोला कि हम कल किसी भी हालत में और एक दिन देते हैं, आप ये कोरियोग्राफर को बुलाइए और ये गाना पिक्चराइज करिए। ही इंसिस्टेड, द सॉन्ग वाज पिक्चराइज्ड ऑन सलमान एंड माधुरी। और आज भी जब ये गाना बजता है तो सीटियां बजती हैं। फिल्म फेयर अवार्ड का फंक्शन चल रहा था और सब लोग यहाँ थे। अब उस फंक्शन में मजरूह अंकल भी थे, समीर जी भी थे। सडनली जो एंकर थे उन्होंने बोला अब कैटेगरी है द बेस्ट लिरिसिस्ट की। तो सबने दिल थाम लिए एंड द नॉमिनीज आर। जैसे उन्हें नॉमिनीज आया तो उन्होंने मजरूह सुल्तानपुरी, ना मजरूह अंकल वहां बैठे थे, ज़ईफ इंसान, अचानक उनको जब उनका नाम आया तो मजरूह अंकल को ऐसा लगा कि उनका म्यूजिक सुपर हिट था, जो जीता वही सिकंदर का। उनको लगा ये अवार्ड मुझे दे दिया। मजरूह अंकल उड़ गए, धीरे धीरे स्टेज की तरफ चलने लगे। वो समझे कि उनको अवार्ड मिल गया और एंड द अवार्ड गोज टू समीर। अब एक्चुअली अवार्ड मिला, फिल्म फेयर अवार्ड, समीर जी को। और समीर हक्का बक्का हैरान के अपने दोस्तों से पूछने लगे नाम तो मेरा ले लिया, अवार्ड मुझे मिला है, लेकिन अब मैं अवार्ड लेने कैसे जाऊं। सडनली समीर ने जो प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाई है वो बड़े काबिले तारीफ है। समीर जी गए और हाथ जोड़कर उन्होंने पहले तो मजरूह अंकल के पांव पड़े, माइक पर गए और कहा लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी दो ही तमन्नाएं थी, एक कि जब मैं फेमस हो जाऊं और मुझे फिल्म फेयर अवार्ड मिले तो मेरे पिता श्री अंजान जी के साथ उनके हाथों मिले, और दूसरी मेरी एक बहुत बड़ी तमन्ना थी कि अगर मुझे अवार्ड मिले तो मेरे गुरु के हाथों मिले। तो आज मेरे गुरु जिनको मैं बहुत मानता हूँ, जिनका नाम है मजरूह सुल्तानपुरी साहब, तो मैं उनके पाँव छूकर उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो फिल्म फेयर अवार्ड है जो मेरे नाम पर अब है वो उनके हाथों मिले। और उसके बाद क्या हुआ बताना चाहता हूँ। यश चोपड़ा साहब उस महफिल में थे, उन्होंने ये पूरा किस्सा देखा, इतने इम्प्रेस हुए यश अंकल कि उन्होंने अपने हाथों से खत लिखा और खत में यह लिखा कि अब मुझे बिल्कुल नजर आ गया कि तुम अच्छे गीतकार ही नहीं, तुम एक बहुत महान इंसान के बेटे हो जिनका नाम है अंजान जी, कि अंजान जी का बेटा ही ये हरकत कर सकता था कि इतने प्यार से जो तूफानी सिचुएशन थी उसको धीरे से मोड़ दिया। मैं भी समीर को आज इस रेडियो के जरिए कहना चाहता हूँ, नॉट ओनली हैप्पी बर्थडे बट हैट्स ऑफ टू यू समीर फॉर बीइंग सच अ वाइज एंड अ हम्बल पर्सन। इसलिए आप हमारे फेवरेट गीतकार हो। अब बताना चाहता हूँ मेरी पहली मुलाकात समीर के साथ कहाँ हुई। मेरा थोड़ा थोड़ा काम होने लग गया था और फिर मुझे बहुत अच्छी फिल्म मिली थी एक जान है, उसके बाद मैंने अंजान जी के साथ काम किया, अंजान जी से मेरी दोस्ती हो गई। और अंजान जी ने एक बार कहा मुझे कि आपको ना मेरे बेटे को सुनना चाहिए। एक दिन समीर जी मुझे मिले कि भाई मैं अंजान जी का बेटा हूँ और पापा ने कहा है कि आपसे मिलना है, तो मैं आपसे मिलने आया हूँ। और समीर जी बैठ गए, पतले थे, कुर्ता, लंबा सा कुर्ता पहना हुआ था, काले घनेरे बाल। मैं बोला सुनाओ क्या मुखड़े हैं आपके पास। उन्होंने कहा अमीर से होगा, गरीब से होगा, प्यार जब भी होगा नसीब से होगा। वाकई इतना अच्छा थॉट लगा, मैंने पट से पकड़ लिया। मैंने समीर ये मुखड़ा आप किसी को देना नहीं, ये मेरा मुखड़ा हो गया। दोस्तों उस वक्त फिर मुझे एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग फिल्म मिली, राजकुमार कोहली साहब के बैनर, फिल्म का नाम था इंसानियत के दुश्मन। एक दिन राज कपूर साहब के घर पर पार्टी थी उनकी बर्थडे की और मैं वहां पहुंचा। राजकुमार कोहली साहब वहां थे। मैंने ऐसे धीरे से बोला राज जी आप मुझे एक बार सुन लीजिए। तो बोले क्या क्या है मुखड़ा। उसी वक्त मुझे समीर का मुखड़ा याद आया और ट्यून गाकर मैंने सुनाया और राजकुमार कोहली जी टर्न करते हैं मुझे, देखते हैं यार तू मेरे घर पर आ जा, ये मुखड़ा कमाल है, किसका लिखा है। मैंने एक नया लड़का है उसका नाम है समीर। तो राज जी ने उस वक्त कहा देखो नया लड़का, देखो ऐसा मत करना, हमें नामचीन राइटर चाहिए। सिटिंग्स होती रही और समीर मुझे मिलते रहे। और सबसे पहले मैंने समीर को कहा कि समीर कुछ भी हो जाए ये गाना तूने लिखा मुखड़ा, अंतरे में तू लिखेगा और तेरा ही नाम आएगा। समीर बहुत खुश हुआ। मैंने ये गाना पूरा बनवाया और मैंने राजकुमार कोहली जी को कहा कि सर ये गाना समीर ने लिखा है, समीर का मुखड़ा समीर के नाम पर ही जाएगा और आपको करना पड़ेगा। और राज जी की ग्रेटनेस है, राजकुमार कोहली साहब ने वो गाना किया और उसके बाद जो मेरा और समीर का रिश्ता शुरू हुआ वो तो सारी दुनिया जानती है। बड़ी बड़ी फिल्में की हैं, हर दिल जो प्यार करेगा, हसीना मान जाएगी, जोश, क्या क्या गाने किए हमने। लेकिन मेरा और बड़ा एक फेवरेट गाना था सोल्जर का, उसका एक मैं किस्सा सुनाना चाहता हूँ कि वो सोल्जर टाइटल ट्रैक बना कैसे। हुआ यूं, उसके फिल्म प्रोड्यूसर रमेश तुरानी साहब के ऊपर आपत्ति आ गई। पिक्चर की यूनिट पहुंच चुकी थी न्यूजीलैंड। रमेश तुरानी साहब ने मुझे रिक्वेस्ट किया एक हफ्ते में मुझे 5 गाने चाहिए। दोस्तों मैं और समीर ने सुबह सेटिंग शुरू करी मेरे घर पर सिटिंग रूम में 9 बजे। दोपहर हो गई, दोपहर से शाम, शाम से रात, हम मुखड़े पे मुखड़े वो लिखते जा रहे हैं, मैं उसी वक्त बनाते जा रहा हूँ। 2 दिन रह गए थे रिकॉर्डिंग को, हमने सोचा कि 2 गाने एक दिन में खत्म करेंगे। इट्स एन इम्पॉसिबल अचीवमेंट। तो क्या हुआ, जब 2 दिन रह गए थे मैंने समीर को कहा, समीर तो एक काम करते हैं खंडाला चलते हैं। बोले पागल हो गया, 2 दिन के बाद हमको 5 गाने खत्म करने हैं और 2 खंडाला की बात कर रहे हैं। बोलते नहीं यहाँ गाना नहीं बनेगा, यहाँ मुझे प्रोड्यूसर्स फोन कर रहे हैं। तो मैंने समीर को बिठाया, गाड़ी में बाजा रखा और मैं खुद ड्राइव करके खंडाला की तरफ भागा। मोमेंट हम लोग खंडाला की तरफ आने लगे, वहाँ हनुमान जी का एक मंदिर आता है, वहाँ हम नमन करते हैं। तो मैंने वहाँ नमन किया हनुमान जी के मंदिर के वहाँ। थोड़ी गाड़ी आगे गई कि मैं ट्यून गुनगुनाने लग गया विद द वर्ड ला री रा री रा रे, मैं ऐसे गा रहा हूँ। अब क्योंकि वहाँ पहाड़, वो मौसम चेंज हो गया, मुझे थोड़ा रिलैक्सेशन मिला तो मैं ऐसे ही गुनगुना रहा हूँ। समीर मेरे बगल में बैठा हुआ है और सडनली समीर ने बोला आप गाते रहिए, आप गाते रहिए। तो बोलते हैं लिखो इस पर। मैं बोला लिखूंगा तो बोल, मैं गाता रहता हूँ। यूं मिला के नजर, ये समीर जी ने पहली लाइन मुझे दी। फिर समीर की ग्रेटनेस में बताता हूँ कि सोल्जर का काफिया नहीं मिल रहा था हमें, सो मुझे समीर हंसते हुए बोलता है एक लाइन है अगर तू ले ले तो, बड़ा मराठी स्टाइल की लाइन है, आगे पीछे डोलकर। तो मैंने डोलकर बोला हाँ मगर काफिया मिलता है सोल्जर, और मैंने वहीं हाँ कर दिया। तो हम खंडाला पहुंचे, वहां लंच खाया, अब भाग कर गाड़ी मोड़ी, हम सीधा पहुंचे घर, वहां से रिकॉर्डिंग स्टूडियो, सुबह की शिफ्ट पकड़ी दूसरे दिन। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ रमेश जी नहीं थे, हमने 5 गाने 3 दिन में रिकॉर्ड किए, लेकिन ये गाने रिकॉर्ड हुए, गाने सुपरहिट हुए और पिक्चर भी सुपरहिट हुई। जाते जाते यही कहूंगा, खाने में पसंद करता है सब्जी विद पनीर, दिल का दीवाना शब्दों का अमीर, यस यस द वन एंड ओनली समीर। हैप्पी बर्थडे समीर, खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही गाने लिखते रहो। गुड बाय, टेक केयर एंड आई लव यू ऑल।